हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है ना मर्द शोहर। मैं अपने घर की लाडली बेटी थी। जब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई तो मेरा निकाह जावेद से हो गया। मेरा निकाह खूब धूमधाम से हुआ। जावेद के पिता का कपड़े का कारोबार था, उनकी खुद की दुकान थी, घर में जमीन जायदाद सब कुछ था। मैं ब्याह कर आई तो पहली रात ही मुझे अपने मर्द की असलियत का पता चल गया। बादल गरजे जरूर, पर ठीक से बरस नहीं पाए और जमीन पानी की बूंदों के लिए तरसती रह गई। वलीमा के बाद मैं ससुराल दिल में मायूसी का दर्द लेकर लौटी। खानदानी घर की पढ़ी लिखी लड़की होने के बावजूद सीधी सादी मुझको एक ऐसे आदमी को सौंप दिया गया जो सिर्फ चारा पानी का इंतजाम तो करता पर मेरा इस्तेमाल नहीं कर पाता था। मुझको एक हफ्ते बाद मेरे ससुर ससुराल लेकर आए। मैंने सोचा कि अब शायद जिंदगी में बाहर आए, पर मेरे अरमान अब भी अधूरे ही रहे। मौका पाकर एक रात को मैंने अपने शोहर जावेद को छेड़ा, आप अपना इलाज किसी अच्छे डॉक्टर से क्यों नहीं कराते? तुम चुपचाप सो जाओ, बहस ना करो, समझी? जावेद ने कहा। मैं चुपचाप दूसरी तरफ मुंह करके अपने अरमानों को दबाकर सो गई। समय बीतता गया। ससुराल से मेके आने जाने का काम चलता रहा। इस बात को हम दोनों समझ रहे थे पर कहते किसी से कुछ नहीं थे। दोनों परिवार हमें देख देख कर खुश होते कि हमारे बीच आज तक तूतू मेमे नहीं हुई है। इसी बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। मस्जिद में एक मौलाना आकर रुके। उनकी बातचीत से मेरे ससुर को ऐसा नशा छाया कि वे उनके मुरीद हो गए। जाड़ फूक व ताबीज देखकर मौलाना ने तमाम लोगों का मन जीत लिया था। वे मेरे घर के एक कमरे में रहने लगे। बेटी, तुम्हारी शादी के 2 साल हो गए पर मुझे दादा बनने का सुख नहीं मिला। कहो तो मौलाना से ताबीज बनवा दूं ताकि इस घर को एक औलाद मिल जाए, मेरे ससुर ने मुझसे कहा। मैं समझदार थी। मैं ससुर से उनके बेटे की कमी बताने में हिचक रही थी क्योंकि घर में ससुर शोहर और मेरे सिवा कोई नहीं रहता था। इसलिए मैं बोली, बाद में देखेंगे अब्बू जी, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने कुछ नहीं कहा। मेरे घर में रहते मौलाना को 2 महीने बीत गए पर उन्होंने मुझको देखा तक नहीं था। उनके लिए सुबह शाम का खाना खुद मेरे ससुर लाते थे। दिन भर मौलाना मस्जिद में इबादत करते। झाड़ फूंक के लिए आने वालों को लेकर वे घर आते जो मस्जिद के करीब था। मेरे ससुर जावेद के साथ दुकान में रहते थे। वे सिर्फ नमाज के वक्त घर या मस्जिद आते थे। मौलाना की कमाई खूब हो रही थी। इसी बहाने मेरे ससुर की कपड़ों की बिक्री भी बढ़ गई थी। वे जी जान से मौलाना को चाहते थे और उनकी बात नहीं टालते थे। एक दिन दोपहर के वक्त मौलाना घर आए और दरवाजे पर दस्तक दी। जी, कौन है? मैंने अंदर से ही पूछा। मैं मौलाना, पानी चाहिए। जी, अभी लाई। मैं पानी लेकर जैसे ही दरवाजा खोलकर बाहर निकली, मेरे जवान हुस्न को देखकर मौलाना के होश उड़ गए। लाजवाब हुस्न, मोहिनी सी आंखें, सफेद संगमरमर सा जिस्म, मौलाना मुझको एक टक देखते रहे। वे पानी लेना भूल गए। जी पानी, मैंने कहा। लाइए, मौलाना ने मुस्कुराते हुए कहा। पानी लेकर मौलाना अपने कमरे में लौट आए पर दिल मेरे कदमों में देकर। इधर मेरे दिल में पहली बार किसी पराए मर्द ने दस्तक दी थी।
मौलाना अब कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझको आवाज देकर बुलाने लगे। इधर मैं भी राह ताकती कि कब मौलाना मुझे आवाज दे। एक दिन पानी देने के बहाने मेरे हाथ मौलाना के हाथ से टकरा गया। उसके बाद जिस्म में सनसनी सी फैल गई। मोहब्बत ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया था। ऊपरी मन से मौलाना ने कहा, सुनो मियां हबीब, मैं कब तक तुम्हारा खाना मुफ्त में खाऊंगा? कल से मेरी जिम्मेदारी सब्जी लाने की। आखिर जैसा वह तुम्हारा बेटा वैसा मेरा भी बेटा हुआ, उसकी बहू मेरी बहू हुई। सोच कर कल तक बताओ, नहीं तो मैं दूसरी जगह जाकर रहूंगा। मेरे ससुर ने सोचा कि अगर मौलाना चले गए तो इसका असर उनकी कमाई पर होगा। जो ग्राहक दुकान पर आ रहे हैं वे नहीं आएंगे, उनको जो इज्जत मौलाना की वजह से मिल रही है वह नहीं मिलेगी। इस समय पूरा गांव मौलाना के अंधविश्वास की गिरफ्त में था और वे जबरदस्ती ताबीज अंग्रेजी दवाओं को पीस कर उनमें राख मिलाकर इलाज कर रहे थे। पाप बेटे दोनों ने मौलाना से घर छोड़कर ना जाने की गुजारिश की। अब मौलाना दिखाओ बेटा बहू कहकर ससुर का दिल जीतने की कोशिश करने लगे। नमाज के बाद घर लौटते हुए ससुर ने मौलाना से कहा, जनाब आप इसे अपना ही घर समझिए, आपकी जैसी मर्जी हो वैसे रहे। आज से आप घर पर ही खाना खाएंगे, मुझे घेर ना समझे। मौलाना के दिल की मुराद पूरी हो गई। अब वे ज्यादा वक्त घर पर गुजारने लगे। बाहर के मरीजों को जल्दी से ताबीज देकर भेज देते। इस काम में अब मैं भी चुपके चुपके हाथ बटाने लगी थी। तकरीबन 6 महीने का समय बीत चुका था। मेरे और मौलाना के बीच मोहब्बत ने जड़ जमा ली थी। एक दिन मौलाना ने सोचा कि आज अच्छा मौका है, मेरी चाहत का इम्तिहान ले लिया जाए, और वे बिस्तर पर पेट दर्द का बहाना बनाकर लेट गए। मेरा आज पेट दर्द कर रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है, तुम जरा सा गर्म पानी से सेक कर दो, मेरे सामने कहराते हुए मौलाना ने कहा। जी कहकर मैं पानी गर्म करने चली गई। थोड़ी देर बाद मैं नजदीक बैठकर मौलाना का पेट सेकने लगी। मौलाना कभी कभी मेरा हाथ पकड़कर अपने पेट पर घुमाने लगे। थोड़ा सा झिझक कर मैं मौलाना के पेट पर हाथ फिराने लगी। तभी मौलाना ने जोश में अपने पास लिटा लिया। मौलाना के हाथ अब मेरे नाजुक हिस्से को सहला रहे थे। जहां पर इंसान अपना सब कुछ भूल जाता है, आज वर्षों बाद मुझको जवानी का वह मजा मिल रहा था जिसके सपने मैंने संजो रखे थे। सांसों के तूफान से भड़की आग को हम शांत करने में लगे थे। जब तूफान शांत हुआ तो मैं उठकर अपने कमरे में पहुंच गई। अब्बू मुझे यकीन है कि मौलाना के ताबीज से जरूर कामयाबी मिलेगी, मैंने अपने ससुर से कहा। हाँ बेटी मुझे भी यकीन है। अब मेरे ससुर काफी मालदार हो गए थे, दिन काफी हंसी खुशी से गुजर रहे थे। तभी वक्त ने ऐसी करवट बदली कि ससुर की जिंदगी में अंधेरा छा गया। एक दिन मेरे ससुर अचानक किसी जरूरी काम से घर आए। दरवाजे पर दस्तक देने के काफी देर बाद मैंने आकर दरवाजा खोला और पीछे हट गई। मेरा चेहरा घबराहट से लाल हो गया था, बदन में कपकपी आ गई थी। ससुर ने अंदर आकर देखा तो मेरे बिस्तर पर मौलाना सोने का बहाना कर चुपचाप मुंह ढक कर लेटे थे। यह देखकर ससुर के हाथ पैर फूल गए, पर वे चुपचाप दुकान लौट आए। अब क्या होगा, मुझे डर लग रहा है, कहते हुए मैं मौलाना के सीने से लिपट गई। कुछ नहीं होगा, हम आज ही रात में घर छोड़कर नई दुनिया बसाने निकल जाएंगे। मैं शहर से गाड़ी का इंतजाम करके आता हूँ, तुम तैयार हो ना? हाँ
मैं तैयार हूँ, जैसा आप मुनासिब समझे। मौलाना चुपचाप शहर चले गए। मौलाना को ना पाकर ससुर ने समझा कि उनके डर की वजह से वह भाग गया है। बाद में जावेद ने बताया, अब्बू सलमा भी घर पर नहीं है। मैंने तमाम जगह खोज लिया पर कहीं उसका पता नहीं है। वह बक्शा भी नहीं है जिसमें गहने रखे हैं। मेरे ससुर घबरा कर अपनी जिंदगी की कमाई और मुझको खोजने में लग गए, पर मैं उनकी पहुंच से काफी दूर जा चुकी थी मौलाना के साथ अपना नया घर बसाने। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू स्टोरीज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।